हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बिहारी लाल देख रहे हो, यहां के महामंत्री गंगा सिंह का करिश्मा देख रहे हो, खूब देख रहे हैं उनका। ये महामंत्री गंगा सिंह की वजह से आज सेनापति बाघ सिंह को जेल हो गई। हाँ, वो यहाँ का वफादार था, बहुत अपनी बहन का खून किया था और उसी खून के इल्जाम में महाराज ने उसे जेल में डलवा दिया। हाँ। और आदेश कर दिया कि हमारे पूरे राज्य उदयपुर में ऐलान कर दिया जाए कि कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी और जिधर देखना हो दरबार के मेन गेट के सामने उपस्थित हो जाए। अब हमको तुमको ऐलान करना है। हाँ। मान लिया ऐलान करेगा है। हाँ। तो ऐलान तो करेन का हो मनई एक नहीं ना। हाँ। अब ऐलान किन जाए तो कहा मनईन का छोड़ के चिरैन का सुनावा जाए कि चीटी मार्टिन का सुनावा जाए। नहीं, कुछ करना पड़ेगा उपाय। देखा, हम एक छोटा सा मनोरंजन लगा रहे हैं और उसी मनोरंजन को सुनकर पूरे टोला मोहल्ला गांव के मनई इकट्ठा हो जाइए। हाँ। और जहाँ मनई इकट्ठा हो जाए तहाँ ऐलान कह दिन जाए और जो मनई इकट्ठा हो जाइए ऐलान हो जाए तो दो जने सुनिए तो चार जने से खुद ही बता देंगे। हाँ, बिल्कुल बता देंगे। और वही बीच माँ हम का तुम का ऐलान कह देगा मनई जान जाइए और कल सवेरे 10 बजे खुद ही आ जाइए। हाँ, तुमको एक बात बताने जा रहा हूँ। कौन सी? बड़ी प्रिय बात है कि पिलाई पालो नान के बिहाई लाल जौन जुग जमाना चल रहा है। हाँ, हाँ। कि पिलाई पालो नान के इतनी बड़ी। हाँ, बरबरी पिलाई पाला छोटे कान वाली पिलवा पाले फायदा ना ही ना। और पिलिया पाले पिलवा पाल लिया साले द्वार छोड़ के भाग जाते तो पक्की और पिलाई पाल लिया खवावा पियावा सयान करा और जहाँ तनी के छुम्बड़ी भय ना। हाँ, हाँ। जहाँ बड़ी बदस्टाई कुकुर तुहार द्वार खुदे मत की। हाँ, 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 जरूरत नहीं पड़ी। यही दो महीना के बाद देखियो। हाँ। जौन शुरू है की? अरे शुरू ने हम कहे थे सबका इलेक्शन 50 साल होत है उनके? और इनके सारन के हर साल होत। हाँ। हर साल इलेक्शन और इलेक्शन के जितने मतदाता हो थी। हाँ। वही तो बैबे पड़े रहा था। हाँ। और लेकिन ये जितने प्रत्याशी हो थी। हाँ। एक के पीछे 10-10, 12-12 ठाई घूमा कर लाइन लगाए हैं। कुछ मोहल लगाए पौधे कुछ साले अनबैलिटे निकल जाते। वह तो पक्की बात है। पिलाई पालो नान के राखो खूबू खबाए रहो भरोसे राम के कार्तिक मा फरी जा भैया कार्तिक मा फरी जा। ऐसी बानी बोलिए ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो गाँव मा टोला मोहल्ला में पहुँचो। हाँ। ऐसी लठ मार का बात करो। हाँ। कि चार जने भैया बाबू करत हो तो तुरंत लाठी चल जाए। हाँ, सही कहा तो। एक एक का फोर फार के बराबर कह दे। हाँ। ऐसी बानी बोलिए तुरंत झगड़ा हो वैसे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा हो। हो भैया चित्रकूट के घाट पर चित्रकूट के घाट पर भाई भैंसी ने कही तुलसीदास प्रभु चारा कतर रहे दूध तुहे रघुबीर। हो भैया दूध तुहे हमार तुहार ये अमृत बाड़ी सुन के काफी मनई इकट्ठा हुई गवा। हाँ, हाँ, काफी लोग आ गए। अब यही बीच में ऐलान कई दिन जाए
कि मने सुन ले और हमारो तुहार काम खत्म हो जाए। हाँ। आप सभी लोगों को हम सूचित कर रहे हैं कि ये जो हम सुनाने जा रहे हैं ये राज साई राज दरबार का शाही ऐलान है। कल सुबह 10 बजे सेनापत बाग सिंह की फांसी होगी और जिसे भी सेनापत बाग सिंह की फांसी का नज़ारा देखना हो सुबह ठीक 10 बजे मेन गेट के सामने आकर सेनापत बाग सिंह की फांसी का नज़ारा देखें। भैया किस चीज़ का ऐलान हो रहा है? दुनिया का मनाई हुआ से सुनता है और तुम को भैया पहली चली आवत यहाँ। भैया मैं अभी अभी आई हूँ। पूरी बात नहीं सुनिया का? नहीं भैया। बता दे यार, बता दे भैया। तो मतलब ये जानना चाहती है कि हम किस चीज का ऐलान कर रहे हैं? हाँ भैया, मैं ऐलान कर रहा हूँ फांसी का। फांसी का? फांसी का। किसके फांसी का भैया? फांसी होगी जो यहाँ के सेना नायक थे सेनापत बाग सिंह। सेनापत बाग सिंह? हाँ, कल उन्हीं सेनापत जी की फांसी होगी। लेकिन भैया उनका कसूर क्या है? वो तो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे तो थे फिर? लेकिन अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां जुड़ गई। उन्होंने गुनाह किया कि कल अपने हाथों से अपनी बहन मधु का खून कर दिया। अपनी बहन मधु का खून? हाँ, उसी खून के इल्जाम में महाराज ने भी उन्हें जेल की सजा सुनाया है। इस वक्त सेनापत जेल में है और कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापत जी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। भैया ये फांसी होगी कहाँ पे? मेन गेट के सामने जो फील्ड पड़ी है उसी फील्ड में सेनापत जी की फांसी होगी। भैया क्या ये फांसी मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ? तुम? हाँ हाँ, फांसी मेहरारू देख सका थी। लेकिन लेकिन क्या भैया? जीव पोड़ हो तो करेज पथरे के हो तो आयु ये बरे कि कबो कबो जब फांसी दीन जात है गटई में रस्सा फंसा के जब टाइट कीन जात है तो केहू केहू के गर्दना बड़ा नरम होत है। पता लागे तो रस्सा टाइट करो तो मूड़ कट के बाहर गिरत जाए और शरीर बाहर मूड़ बाहर उल रहे शरीर बाहर उल रहे देख के बर्दाश्त नहीं कर पावा और गिरा तुम खुदा फाट 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 करे लागे। नहीं भैया मैं आऊंगी फांसी देखने। अय्या तो आयु तो 9:30 बजे आयु जायु। 9:30 बजे क्यों भैया? बड़ी भीड़ होए बड़ा मनई आए। 10 बजे उबू तो पीछे खड़ी रहबू खाली आवाज सुनबू। नहीं भैया और 9:30 बजे आ जाया सब मन सेतुवन के आगे खड़ी होया तो कायदे से फांसी देख लिया। ठीक है भैया मैं 9:30 बजे आ जाऊंगी। समझ गई ना? हाँ भैया। बाकी आई एम गो चलिए। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। भगवान आखिर मेरा क्या कसूर है? इस दुनिया मेरा कोई नहीं और जब जीने के एक सहारा मिला तो अपने कानों से सुने कि उनकी कल फांसी होगी। मैं उन्हें अपने मन ही मन में पति मान चुकी हूँ लेकिन मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। जाऊंगी महाराज के पास, महाराज के चरणों में गिर कर उनके प्राणों की भीख मांगूंगी कि सेनापत को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो मेरे सुहाग है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो जीते जी मैं भी मर जाऊंगी। अगर मैंने जाने में देर कर दी तो हो सकता बहुत देर हो जाए। मैं इसी वक्त जाऊंगी और महाराज के चरणों में गिर कर उनके प्राणों की भीख मांगूंगी। हाँ भीख मांगूंगी। महाराज की जय हो। महामंत्री गंगा सिंह जी राजन, आज वो दिन आ गया है जिस दिन को हम हमेशा इंतजार करते थे कि जो भी मुजरिम हो उसे सजा उसी समय पर दिया जाए जो समय नियुक्त किया जाता है। आवाज वो दिन आ गया है सेनापति बाग सिंह की फांसी का। अभी कितना टाइम हुआ है? महाराज अभी
10 बजने में 10 मिनट शेष है राजन। तो 10 मिनट इंतजार कीजिए अभी। महाराज न्याय कीजिए, मेरा सर न्याय कीजिए। अरे हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज। हाथ जोड़ विनती करूं ऐ मेरे महाराज। और दुखी यारी दुख से भरी दूर करो दुखी हाल। तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे और परेशान दिखाई पड़ती हो, इस रात दरबार में आई हो। और ये बेटी क्या बात है और दो मुझको बतलाए। अए बेटी क्या बात है और दो मुझको बतलाए। और बतला सभी पूरा करूं करता हूं इकरार। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? महाराज मेरा नाम दुर्गा है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं इसी उदयपुर की रहने वाली हूँ। उदयपुर की रहने वाली हो बेटी दुर्गा, आखिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं और इस रात दरबार में आई हो रोती बिलखती हुई, मुझसे क्या चाहती हो तुम? महाराज मैं आपसे सिर्फ यही चाहती हूँ कि सजा फांसी को जिनको दिया आपने, सामने उनको मेरे बुला दीजिए और उनकी शादी करा दो मेरे साथी में। उनकी शादी करा दो मेरे साथी में, बाद एक विनती महाराज, आपने जिनको फांसी की सजा दी है बस उनकी शादी मेरे साथ करा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी दुर्गा तो तुम उस शख्स से फांसी करना चाहती हो, फांसी करने वाले शख्स से तुम शादी करना चाहती हो? हाँ महाराज। जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ मैं। हाय नादान लड़की ये क्या कह रही, जिंदगी की खुशी को मिटाने चली, और सजा फांसी का मुजरिम वो बेटी सुनो। हाँ सजा फांसी का मुजरिम वो बेटी सुनो, चुपा तुहते उसे फांसी हो जाए। जिसके साथ तुम शादी करना चाहती हो वो सजा याफ्ता मुजरिम है और प्राप्त होते ही उसकी जिंदगी का अंत होने में केवल 5 मिनट बाकी है, और उस शख्स से तुम शादी करना चाहती हो, शादी करने के बाद तुम दर दर ठोकरे खाओगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शायद आपको याद नहीं कि जो है भारत की नारी महाराज जी, नाम पे पति के जीवन बिता देती है और जैसे भी है पति मेरे भगवान है। जय
हमने तुम्हें बेटी कहा है और इस हिसाब से हम तुम्हारे पिता के समान हो गए हैं और हम एक पिता के नाते तुम्हें समझा रहे हैं कि इस जिद को छोड़ दो और वापस चली जाओ। कोई अच्छा सा लड़का देख लेना और मैं पिता बन करके तुम्हारा कन्यादान उसके साथ में कर दूंगा। महाराज शायद आप भूल रहे हैं, याद कीजिए उस इतिहास को कि सत्यवान की जिंदगी मात्र एक वर्ष की थी, फिर भी सावित्री ने अपना विवाह उनके साथ किया था। बस मेरी भी हार्दिक यही इच्छा है महाराज कि मेरी शादी सेनापत के साथ करा दी जाए। बेटी दुर्गा, आज तक की सरदार दरबार से जो भी शख्स आया है कुछ मांगने के लिए कभी खाली हाथ नहीं गया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तुम जो मांग रही हो वो तुम्हें मिलने के बाद हमेशा तुम्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा और परेशान होती हमेशा नजर आओगी। लेकिन बेटी अगर तुमने जिद किया है तो इस रात दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। महामंत्री गंगा सिंह, सेनापति को राज दरबार में बुलाया जाए। बिहारी लाल सेनापति बाग सिंह को जेल से बाहर लेकर आओ, दरबार में उपस्थित किया जाए। हुजूर, अभी तो हमारी फांसी का वक्त भी नहीं हुआ, फिर मुझे जेल से राजन दरबार क्यों लाया गया? बाग सिंह, इस राज दरबार में बुलाने का एक मकसद है। इस राज दरबार में एक लड़की आई है जो कहती है कि हम बाग सिंह को जानते हैं, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? महाराज, वो लड़की है कौन? बाग सिंह, वो लड़की तुम्हारी नजरों के सामने खड़ी है। महाराज, इस लड़की को देखकर अच्छी तरह इसे पहचानता हूँ हुजूर, और इस लड़की से मेरा संबंध सिर्फ फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का। बाग सिंह, लेकिन यह लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है, आपसे कुछ बात करना चाहती है। कुछ कहना चाहती है? हाँ सेनापति बाग सिंह। इसके दिल के अंदर क्या ख्वाहिश है? इसके दिल के अंदर जो ख्वाहिश है वो खुद अपने मुखारविंद से आपसे खुद बताएगी। कौन? मैं वही हूँ जिसकी आपने इज्जत बचाई थी। दुर्गा? वही अभागत दुर्गा। हाँ दुर्गा। मन ही मन में मैंने आपको पति मान लिया है। क्या? सिर्फ मेरे दिल में यही एक अरमान है कि आप मेरी मांग को सजा दीजिए। दुर्गा, अपने दिल के अंदर ये तो क्या सोच कर आई है, क्या सोच कर आई है? अपने दिल के अंदर जो भावनाएं हैं निकाल कर बाहर जा, बाहर कर दे और यहां से चली जा, क्योंकि हमारी फांसी का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, कल हमारी फांसी हो जाएगी। मैं मानती हूँ कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात मेरी सुन लीजिए, और फांसी से पहले शादी करो प्राणीपति आए, करो प्राणीपति कुआरी कन्या का पूरा प्राणी कीजिए। कन्या का पूरा
आपकी जिंदगी भर मैं पूजा करती रहूंगी, बस इतनी विनती मेरी सुन लीजिए। दुर्गा दुर्गा, ये तूने क्या किया? क्या है? नहीं, चंद्र मिनटों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? दुर्गा क्या ये कहती समझ मेरे आता नहीं, मेरे आता नहीं, देख ले तन कसा मेरा जंजीर में। कह रहे ना कि कल सुबह मेरी फांसी हो जाएगी, लेकिन स्वामी मैं आपके साथ जिंदगी की सिर्फ 4 घंटे भी बिता लूंगी तो यही समझूंगी कि तुम्हारे साथ मैंने 7 जन्म बिता लिए। क्या? इसलिए मेरी बातों के इनकार मत कीजिए, जिंदगी भर आपके नाम पर मैं अपनी जिंदगी व्यतीत कर दूंगी, लेकिन अपने दुल्हन बना लीजिए। दुर्गा, चंद्र मिनटों की खुशियों के लिए तुम अपना सारा जीवन क्यों बर्बाद करना चाहती हो? मैं नहीं चाहता कि तुम इस जवानी में मेरे साथ शादी रचा कर और कल से विधवा हो जाओगी। स्वामी, विधवा बनकर आपके नाम पर सारी जिंदगी में बिता दूंगी। क्या? विधवा हाँ। होकर मेरे नाम पर अपना जीवन बिता डालोगी? हाँ, तो ठीक है हुजूर, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। बिहारी लाल, जाओ सिंदूर लेकर के आओ। और सेनापति के हाथ की हथकड़ी खोल दो। आओ दुर्गा, आओ। आज मैं अपनी चुटकी का सिंदूर तुम्हारी सुनी मांग में भरकर मरने से पहले तुम्हें अपनी बना रहे हैं। गंगा सिंह, आज इस रात दरबार में बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि किसी के हाथों किसी की मांग में सिंदूर डाला गया है, इसलिए आज सेनापति बाघ सिंह की फांसी नहीं होगी। तो महाराज, आज इन दोनों को जिस कमरे में बंद है सेनापति बाघ सिंह, आज ये दोनों रात वहीं गुजारेंगे और कल प्रातः 10 बजे इस लड़की को सुभाष के घर भेज देना, सेनापति बाघ सिंह की फांसी अब कल होगी। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा राजन। बिहारी लाल, महाराज के आदेश अनुसार आज की रात ये दोनों जेल के अंदर रहेंगे और
कल प्रातः होते ही यानी सुबह 4 बजे इस लड़की को जेल से रिहा कर देना और सेनापति बागसंग की फिर फांसी ले जाओ, इन्हें जेल के अंदर बंद कर दो। अरे उदयपुर के निवासियों, यह बगावत अगर किसी ने तो मारा जाएगा भरी जवानी में। अरे गंगा सिंह वो बला है जो आग लगा दे। दुर्गा, महाराज आज हमारी आज की रात इसी जेल के अंदर तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने के लिए इजाजत दे दिया है और कल फांसी हो जाए होगी। स्वामी, हमारी प्यार की डोर इतनी कमजोर नहीं है जो छूने से टूट जाए। मैं तो ये कहती हूँ कि रात को ऐसे जाया क्यों जाने देते हो। सिर्फ 5 बजे तक का ही जब मुझे मोहलत मिला है तो मैं ये चाहती हूँ कि 2-4 घंटे जो बचे हैं सारे सिकवे गम भुला कर सिर्फ खुशियाँ ही मना लूँ मेरे साथ। क्यों नहीं दुर्गा? क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ आपकी यादें रह जाएंगी, सिर्फ यादें और यादें। आइए हम आराम करते हैं। आइए ना स्वामी। जी स्वामी। दुर्गा, हाँ, आज हमारी बदकिस्मती ये कि आज हमारी सुहाग रात इस जेल के अंदर हर लोगों की सुहाग रात वो अपने अपने घरों में मनाते हैं और हमारी सुहाग रात आज तुम्हारे साथ इस जेल के अंदर। सिर्फ मुझे अफसोस इस बात का है कि कल ठीक 10 बजे हमारी फांसी हो जाएगी। मेरे मरने के बाद कल से तुम विधवा हो जाओगी। ऐसा मत कहिए स्वामी, हमारी प्यार की डोर इतनी कमजोर भी तो नहीं जो छूने से टूट जाए। और आप क्या समझते कि आपको कुछ और जाने के बाद मैं कहीं दूसरी शादी कर लूंगी? कभी नहीं। आपको अगर कुछ हो गया तो जिंदगी भर आपकी विधवा बनकर आपके नाम पर सारी जिंदगी बिता दूंगी स्वामी। आप तो मेरे दिल में बस यही चाहते कि हम दोनों सो जाएं। हाँ प्रिय, बातों बातों में रात काफी आ गई है, आओ अब हम दोनों सो जाते हैं। स्वामी, क्या आज मेरा दिल कुछ कहने कहता है? कुछ कहने के लिए? हाँ, क्या कहना चाहते हो? यही, नमस्कार नमस्कार। और कहिए यहाँ के सब समाचार ठीक ठाक है ना? जी सर, सब ठीक है। जेल में किसी तरह कोई गड़बड़ी तो नहीं है? कैदियों के पास हर सामान पहुंचा रहे हो? हाँ, तो थोड़ा हमारे करीब आ जाओ बेटा। फिलहाल अभी तक तुम्हारी ड्यूटी यहाँ थी और अब तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। कहाँ के लिए? तुम्हारा ट्रांसफर हो गया संडीले के लिए। तो हमें संडीले जाना पड़ेगा? अब तुम जाओ संडीले और इस जेल की देखरेख करना हमारा काम है, क्योंकि यहाँ पर अब इस वक्त हमारी ड्यूटी लग गई है। ठीक है, जब हमारा ट्रांसफर हो गया तो हम जा रहे हैं संडीले। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना। कौन से? इस जेल में एक कैदी बंद है। अच्छा, साथ में एक लड़की भी है। अच्छा, आज सुहाग रात है, दोनों जेल में मनाएंगे। तुम्हारे यहाँ जेल का यही नियम है? महाराज जी का सख्त आदेश है। हाँ, आज सुहाग रात जेल में मनाएंगे और कल सुबह 5 बजे लड़की को जेल से बाहर कर देना। कैदी की 10 बजे फांसी होगी। अब इनको बाहर करना अंदर करना ये सब हमारा काम है। अब तुमको जाना है संडीले, तुम बेटा जाओ संडीले
और कैदियों की देखभाल अब मैं करूंगा। ठीक है जी, हम जा रहे हैं, लेकिन इस बात को भूलना नहीं आप। इनके हाथ की हथकड़ी खोलो और तुम जाकर संडी लेब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। कैदियों के साथ इतना गलत बर्ताव कर रहे हो कि जेल में बंद है तब भी इनके हाथ में हथकड़ी डाले हो। हथकड़ी खोलो और हथकड़ी खोलने के बाद तुम संडीले के लिए रवाना हो जाओ। और क्या बात है, देखो हमारा ट्रांसफर हो गया, हम जा रहे हैं संडीले। आपका ट्रांसफर हो गया? हाँ, और यहाँ पे नए जेलर साहब आए हुए हैं, उनका आदेश हो गया है कि हाथ की हथकड़ी खोल दीजिए। कहाँ है वो? गेट पे बैठे अभी। अच्छा जी, वाह प्रिय दुर्गा, देखा नए नए जो जेलर आए हुए हैं, लगता है प्रिय बड़े नेक और अच्छे घराने के हैं, क्योंकि आते ही हाथों की हथकड़ी फौरन खुलवा दिए। हाँ स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो किसी अच्छे खानदान के लगते हैं, तभी तो आते ही हाथों की हथकड़ी खुलवा दी। हाँ प्रिय। सेनापत जी, सेनापत जी। जी सर। मैं यहाँ गया हूँ, मेरी ड्यूटी लग गई है। हाँ साहब। और नया जेलर हूँ, बड़ा कड़क जेलर हूँ और नियम कानून का पालन करता हूँ, और तुम लोग जेल में हो, जेल में रहो और मैं गेट पर बैठता हूँ, और तुम लोग जेल के अंदर कोई हरकतबाजी नहीं करना। नहीं साहब। जेल में हो, कायदे से रहना, समझ गए? नहीं जेलर साहब। स्वामी, हमारी सुहाग रात है आज इस जेल के अंदर, और हम पत पत्नी के सिवा कौन हैं, हरकत कौन सी ऐसी और करेंगे। प्रिय जी। स्वामी, स्वामी क्या, मैं तो कहती हूँ कि जेलर साहब से कुछ पर्चे बनाइए ना, हो सकता है कि हम दोनों को छोड़ दें। हाँ ठीक कहती हो। जेलर साहब, जेलर साहब। क्या बात है जी। नमस्ते जेलर साहब। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बहुत अच्छे लगते हैं, लो तुम भी नमस्ते कर लो। भाई साहब नमस्ते। एक बात बताएं सेनापत जी। जी। मैं यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने आया हूँ, रिश्तेदारी कायम करने नहीं आया हूँ। अपनी पत्नी से बता दो, हमको जेलर साहब कहे, सर कहे, लेकिन भाई साहब मत कहे। दुर्गा। भाई साहब कहकर मेरा खून खौला दिया। प्रिय। जी स्वामी। तुम जेलर को भाई साहब कहकर नमस्ते करती हो तो वे नाराज होते हैं, इसलिए सिर्फ उन्हें जेलर साहब कहकर नमस्ते करो। क्या भैया कहने से नाराज होते हैं? हाँ प्रिय। भैया कहने से नाराज नहीं होंगे, अभी जब तुम लोग सुहाग रात चालू करोगे ना, तो अभी हमारा यहाँ डीजे डांस चालू हो जाएगा। करो हरामखोर नालायक, एक तरफ भैया कह रही है और दूसरी तरफ हमारे सर पे दाल डल रही है। भैया खड़े रहे और भैया के सामने तुम लोग सुहाग रात मनाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? हरामखोर नालायक, एक तरफ भैया कहती है, दूसरी तरफ सुहाग रात मनाती है। तुम लोग सुहाग रात मनाने जा रहे हो, और अगर सुहाग रात में कोई बात पैदा हो जाए तो कल मुझे मामा कहने वाला आ जाए। क्यों रे जेलर साहब? नालायक। नहीं जेलर साहब, नाराज मत होइएगा, नाराज नहीं होइए प्रिय, सिर्फ जेलर साहब कहकर नमस्ते कर लो। जेलर साहब नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कितना खुश हो गया ना ये जेलर साहब। हाँ, अब जाइए ना यहाँ से। क्यों, हम गंधा रहे हैं? अरे मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है और मैं अपनी ड्यूटी पर खड़ा हूँ, और हमको बोल रही है जाइए ना। जेलर, जेल, जेलर साहब क्या बोल रही? आज हमारी सुहाग रात है। अरे तो मनाओ, क्या आप यूं ही खड़े रहेंगे यहाँ पे? मनाओ सुहाग रात, भैया काम हाथ लगा रहे हैं। जरा सोचिए, आपने भी कभी किसी से प्यार किया होगा, सुहाग रात मनाया होगा। पहली बात तो हमारी शादी नहीं हुई, और जब शादी नहीं हुई तो सुहाग रात क्या मैंने गाय भैंस के साथ मनाया? और जहां तक प्यार की बात रही तो प्यार मैंने किया था, मैं भी पहले प्यार करने में बड़ा माहिर था। आपने भी प्यार किया था? प्यार मैंने किया था, लेकिन
हमारा प्यार भाग गया साला, कायदे से हो नहीं पाया। जेलर साहब, तुम्हारा प्यार कैसे बहक गया? अरे मैं जिस लड़की से प्यार करता था ना, हाँ, वो लड़की नाबालिग निकल गई। नाबालिग? हाँ। कितनी उम्र थी साहब उस लड़की की? बहुत कम उम्र थी। फिर भी? अबे ये अंदाजा लगा लो कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था, हाँ, उसके मुंह में एक दांत नहीं थे। फिर भी कितनी उम्र थी उस लड़की की? इतना नाबालिग थी, इतनी कम उम्र उसकी थी, इतना वो नाजुक थी कि उसकी उम्र लगभग 80-85 साल की थी। जेलर साहब, तब तुम्हारा प्यार क्यों न बहक जाए? तभी से मैंने कसम खा लिया कि जीवन में अपनी शादी नहीं करूंगा, भले मैं रणुआ मर जाऊंगा। और तब से मैं प्यार करने वालों को देख लेता हूँ ना, तो हमारा खून खौल जाता है। तुम लोग कुछ भी करना, आदेश महाराज का है, लेकिन जब जेल के अंदर हम आ जाए तो तुम लोग लपटियाना नहीं। जी नहीं साहब। जेलर साहब, जाइए ना। मेरा मूड खराब कर रही है क्यों रे? बार बार जा, समझ रहे हैं, महाराज ने आदेश दिया है कि तुम लोग जेल में सुहाग रात मनाओ, इसीलिए लबलबा रही है क्यों रे? एक बात बताएं, अभी तो कह रही जाइए, और थोड़ी देर के बाद जब तेरे सर पे पहाड़ गिरेगा ना, तब यही सोचेगी कि अगर जेलर यही होता तब अच्छा होता। जेलर साहब, जाइए ना। अब तो नहीं जाऊंगा। अब नहीं जाऊंगा, अब यहीं बैठूंगा, तुम लोगों को देखूंगा, तुम्हारी बोहनी नहीं होने दूंगा। तुम लोग यही नहीं सोच पाओगे सुहाग रात किसे कहते हैं, सुहाग रात में कौन सा बाजा बजता है। इतना मूड खराब कर दिया, इतना मूड खराब कर दिया, इतना क्रोध आ गया, दिल में आता है इसका बाजा फोड़। जेलर साहब, मेरा ख्याल कीजिए, ये औरत है साहब, मेरा ख्याल कीजिए। बस तुम्हारी बात पड़ जाती है, तुम्हारी बात पड़ जाती है, क्योंकि मैं भी मर्द हूँ और तुम भी मर्द हो। हम खड़े रहे और तुम सुहाग रात ना मना पाओ तो बड़े शर्म की बात है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर रहम करता हूँ। और लड़की के ऊपर तो बड़ा मेरा क्रोध आ गया, बार बार जाइए ना कहकर मूड खराब कर दिया। अब तुम लोग सुहाग रात मनाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओढ़ने बिछाने के लिए सब कुछ है। बराबर मिला है? सब कुछ है साहब। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं तुम्हारी टोटल समस्याओं का समाधान करूंगा। जी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब चादर वगैरह मिले हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग सुहाग रात मनाओ, अब सुबह 5 बजे मैं आऊंगा। जी साहब। और जब 5 बजे आऊं तो तुम लोग मुझे जगते मिलना। जी जी साहब, समझ गए जी। अब तुम लोग सो जाओ और मैं भी जा रहा हूँ आराम करने। और सुनो जी, आहिस्ता रहना, जेल में मौज में आकर मौत को मत भूल जाना, सुहाग रात मनाना लेकिन आहिस्ता रहना, क्योंकि इसी दीवार के जस्ट पीछे हमारा कमरा है। हाँ साहब। अगर तुम लोग चिल्ला दिए और शोरगुल की आवाज मेरे कान में पड़ गई और मैं जग गया, तो न मैं तुमको सोने दूंगा और न मैं स्वयं सोऊंगा। जेलर साहब, चिल्लाने की जरूरत क्या है साहब, हमारी सुहाग रात है। जानता हूँ। तो क्यों चिल्लाऊंगा? जानता हूँ चिल्लाने कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सुहाग रात मनाने जा रहे हो, सुहाग रात में कहीं कोई ऐसी बात न पैदा हो जाए कि तुम्हारी पत्नी चिल्लाना शुरू कर दे। जेलर साहब, हमारी पत्नी क्यों चिल्लाएगी साहब? क्यों, जानते हो नहीं चिल्लाएगी? जी जानता हूँ नहीं चिल्लाएगी। अरे मौत की रात तो फिर भी ठीक होती है, लेकिन ये साली सुहाग रात ठीक नहीं होती। आहिस्ता रहना जी। समझ गए जी। अब मैं जा रहा हूँ और अब 5 बजे आऊंगा, और 5 बजे आना तो तुम लोग, आऊंगा तो तुम लोग फिट मिलना। जी जी साहब। जा रहा हूँ, नमस्ते नहीं करोगे? नहीं नहीं, नमस्ते जेलर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम भी नमस्ते कर लो भाई साहब। नमस्ते जेलर साहब।
सेनापति जी, अपनी पत्नी को समझा दो, एक बार भाई साहब कह दिया कोई बात नहीं, दोबारा भाई साहब कह दिया कोई बात नहीं, अगर तिबारा भाई साहब कहा ना तो खड़ी करके तुमको तुम्हारे चुत्तर पे कम से कम 20 बेत मारूंगा, इतने बेत मार दूंगा, इतना दर्द होगा उतना दर्द तुझे सुहाग रात में नहीं होगा, समझ गई? जेलर साहब बोलो। जेलर साहब नमस्ते। नमस्ते, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारी सुहाग रात मंगलमय हो। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।